एशियन गेम्स में भारत की शानदार शुरुआत जोवा मळी छे। त्रण सिल्वर मेडल साथ भारत की शानदार शुरुआत। महिला टीमें 10 मीटर एर राइफल में सिल्वर जीत्यो छे। आशी चौकसी एर राइफल में जीत्यो छे सिल्वर मेडल। तो रोइंग मेन्स लाइटवेट डबल स्कल्स में सिल्वर जीत्यो छे। भारते शानदार शुरुआत करी छे। 1886 ना स्कोर साथ मीटर एर राइफल में रमिताए 631.9, तो मेहुलीए 630.8 अने आशीए 623.3 साथ फिनिशिंग कर्यु। महत्वनुं छे के भारत ने आ शानदार शुरुआत गौरवनी घड़ी। रोइंग मेन्स लाइटवेट डबल स्कल्स में भारतना अरविंद सिंह अने अर्जुन लाल जाटी सिल्वर अपाव्यो छे। भारतीय सेनाना जवानोए देशने अपाव्यो छे सिल्वर मेडल। तो अर्जुन अने अरविंद भारतीय सेनाना छे जवान, जेओए शानदार शुरुआत करावी छे। तो रोइंग में भारत के लिए तीन खुशखबरियां आई, जहां 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल है। और चीन में ये तिरंगा लहरा है भारतीय सेना के जवानों ने। तो बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले ओलंपिक से अब आप यहां आए हैं, कैसे देखते हैं इसको, इस जीत को, आपके गले में ये सिल्वर मेडल है? ये तो मैम क्या बता सकते हैं, बस यही बता सकता है जो भी हमने किया वो। तो आप बताएं। बहुत खुशी हो रही है मैडम, हमारा पहला एशियन गेम्स था, तो थोड़ा सा यही था कि जो भी करना अच्छा ही करना है। और फिर रिप्रेजेंट हम सबसे पहला इवेंट था हमारा इंडिया के लिए, तो दिमाग में यही बात चल रही थी कि सबसे अच्छा मेडल फर्स्ट में अगर आ जाएगा तो हो सकता है बाद में अच्छे ही आएंगे सारे मेडल। अच्छा, इस सेना का रोइंग के साथ जो कनेक्शन है, इस पर क्या कहेंगे? क्या आपने इससे पहले रोइंग के बारे में जानते थे? जहाँ से आप आते हैं, रोइंग ऐसा खेल नहीं है जो बहुत ज़्यादा भारत में खेला जाता है। नहीं नहीं मैम, जब मैं 2016 में भर्ती हुआ था तो मैं जानता नहीं था कि रोइंग कौन सा गेम है, क्योंकि मैं एक्चुअली राजस्थान से आता हूँ और राजस्थान में वैसे भी रोइंग गेम को कोई जानता नहीं है। तो मैं जब सेना में आया था तो उसके बाद में मेरे को ओलंपियन बजरंग लाल ताखर है वो लेके गए और उन्होंने कोचिंग दी। फिर मैं आर्मी रोइंग नोड में सिलेक्शन हुआ मेरा। फिर मैं उधर आने के बाद में मैंने रोइंग को मतलब अच्छे से किया और मेरे को मज़ा आने लग गया था कुल मिला के गेम में। भारतीय सेना से जुड़े होने के बाद चीन में आके मेडल जीतना आपको लिए कितना बड़ा और खास हो जाता है? बहुत खुशी हो रही है मैम, बयान नहीं कर सकते, मतलब सिल्वर मेडल लेने के बाद ज़्यादा खुशी हो रही है मैम। बहुत ये बताओ कि रोइंग के लिए आपको लगता है और क्या किया जाना चाहिए? हमने देखा एशियन गेम में कंसिस्टेंटली अच्छा किया और टोक्यो में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। जी मैम, मतलब वैसे तो हमारा अच्छा चल रहा है, जैसे फेडरेशन आर्मी साई टॉप्स हमारा पूरा सपोर्ट है और आगे भी सपोर्ट रहेगा मैम। आगे क्या 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 करना चाहते हैं, कोई हसरत है दिल में अब इसके बाद? मैम कुछ नहीं है, आगे अपना पेरिस की तैयारी करेंगे अभी आने वाले दिनों में, और पेरिस में अगर अच्छी प्रैक्टिस करके वहाँ भी एक सपना मतलब पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा मेडल वहाँ भी मतलब सपना करेंगे पूरा मैम, वहाँ भी मेडल का। रोइंग का भविष्य आप भारत में क्या देखते हैं, चाहते हैं किस तरीके से इसको भी सपोर्ट मिले जैसे बाकी खेलों को मिलता है? रोइंग वैसे देखा जाए तो बहुत कास्टली गेम है, तो इतना इक्विपमेंट है नहीं, पर फिर भी हम और भी अच्छा कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये भारत के वो 2 वीर हैं जिन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है मेंस डबल स्कल्स इवेंट में। किरण चोपड़ा, सीबीटा, हैंगजाउ चीन। सर मेरे को इसके लिए बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है सर इसमें, मतलब इस मेडल के लिए हमने 2019 से मेहनत की। आरा फाई के साथ मिल गए, अपने कोच साहब थे, इस्माइल बेग साहब थे, तो हमने साहब 19 से मतलब इसी मेडल के लिए मेहनत की कंटिन्यू। और हमने सर 2019 के बाद कोविड भी आया, उसके बाद हमें आर्मी ने सपोर्ट किया, उसके बाद कैंप भी लगते रहे, तो सर जो हमारा ये इस मेडल के लिए फोकस था वो 2019 से कंटिन्यू था। हमारी आरएफआई भारत सरकार और अपनी मतलब आर्मी रोइंग नोड के सीईओ और हमारे जो कोचेस थे आर्मी के सभी ने हमें मतलब दिन रात एक की हमारे लिए, मतलब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हम ये बोले कि हमें इस चीज़ की कमी थी, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी सर, तो आज हमने वो चीज़ अचीव कर ली जो हमारे मतलब कोचेस को हमारे से उम्मीद थी। वैसे हमारा मतलब जैसे हमने कल रेस मारी थी 20 को, तो हमने उज़्बेक को दबा के रखा उसी टाइम, तो आज जैसे कि हम मेडल के लिए जा रहे थे मतलब वो मारने के लिए जा रहे थे रेस, तो हमें मतलब ये डाउट नहीं था कि हम सफल होंगे नहीं होंगे, हमें पता था हम होंगे सफल क्योंकि हमने उस दिन के लिए 2019 से ट्रेनिंग की थी। तो सर उसके लिए हम आज बहुत खुशी फील हो रही है, बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है। पहला ही दिन और शानदार आगाज हुआ है और सिल्वर मेडल पर निशान लगाया है भारतीय शूटर्स ने, और 3 खिलाड़ी जिन्होंने सिल्वर जीता उनमें से एक हमारे साथ है। बहुत बहुत बधाई, एक अच्छी शुरुआत, एक शुभारंभ किया आपने।
हाँ जी, हम बहुत खुश हैं हमारे मेडल के साथ एंड ये एशियन गेम्स का पहला मेडल है, तो रियली प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड एज वेल एज अस। अपनी अपने सफर के बारे में बताइए, यहाँ से सिल्वर तक का सफर आपका कैसा रहा? सो दिस इज माई फर्स्ट मेडल एयर राइफल में इंटरनेशनल। अभी तक मेरा मेन इवेंट 3P है एंड अभी मेरे दो इवेंट बचे हैं, तो आई एम लाइक रियली होपफुल फॉर द मेडल इन दैट एज वेल। सो एयर राइफल में पहला मेडल सिल्वर, आई एम रियली हैप्पी। चाइना में आकर ये मेडल कितना और खास हो जाता है? एक्चुअली मैं पिछले महीने ही चाइना आई थी एंड आई जस्ट वॉन अ इंडिविजुअल सिल्वर एंड अ टीम गोल्ड, सो चाइना इज लकी फॉर मी। आई थिंक चाइना में अच्छे मेडल मिल रहे हैं, तो या चाइना में आई एम रियली हैप्पी टू गेट अ मेडल इन चाइना। शूटिंग हमेशा से भारत के लिए एक ऐसा स्पॉट रहा है जिसने मेडल दिए हैं, कॉमनवेल्थ में ऑफकोर्स वो नहीं था, हमें इसका नुकसान हुआ, तो कितनी बड़ी रिलीफ है आप एशियन गेम्स में इसको वापस आया और इस तरीके से मेडल आ रहे हैं? शुरू अभी तो शुरुआत ही हुई। सो एशियन गेम्स इज अ रियली ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन शूटर्स एंड एज वेल एज एवरी वन, और यहाँ पे मेडल जीतना एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है फॉर इंडिया। सो या तीनों आपस में जब चल रहा था इवेंट, कुछ दिमाग में चल रहा था, कुछ नर्वसनेस या कुछ पहला इंटरनेशनल इवेंट इतना बड़ा मिल रहा था? एक्चुअली कुछ चल नहीं रहा था, इट वाज जस्ट ओनली प्रोसेस इन आवर माइंड एंड एक्चुअली शूटिंग इंडिविजुअल गेम है, तो हमने टीम के बारे में हम सोचते भी नहीं है, तो जो भी हमें मैटर करता है इज लाइक मोर इंडिविजुअल एंड रमिता एंड मेहुलिया देयर इन द फाइनल्स विद अ वेरी रियली गुड स्कोर, सो आई एम जस्ट रियली होपफुल फॉर देयर इंडिविजुअल मेडल्स। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट। तो ये थी आशी चौकसी जिन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, और साथ ही साथ रमिता और महिलू घोष के साथ मिलकर उन्होंने भारत के झोली में मेडल डाला। कैमरा पर्सन शंकर शर्मा के साथ किरण चोपड़ा, सी मीडिया। हाँ जी, उसके पहले थोड़ा सा उनको वर्ल्ड कप में थोड़ा इंजरी थी, उसको वापस आए बच्चे ने। हमारा टारगेट था कि जापान अच्छा ही स्ट्रांग क्रू था, और उज्बेक भी पिछला वर्ल्ड कप में हमसे काफ़ी अच्छा किया था, इसे थोड़ा कि चाइना तो अच्छा टॉप क्लास का रोवर्स है, लेकिन जो पहले हम मेडल में जाने के तो जापान और उज्बेक जो डबल स्कल में जो प्रेशर को निकलना था, हम वही बोला कि पहले दोनों को टारगेट कर, उसके बाद हमने चाइना को करते हैं। मैंने बेखूबी अपने प्लेयर्स ने बहुत अच्छा रोइंग किया और कम्फर्टेबल आया था, इसके बाद में प्रेशर तो था मेरे ऊपर भी काफ़ी, लेकिन जब 1000 मीटर क्रॉस कर चुका था रेस, फिर भी एक फीलिंग आ गया कि फील गुड, ये कम्फर्टेबल अभी आगे निकल गए। अभी हम 2-3 मेडल के एक्सपेक्टेशन से आज कल के लिए उम्मीद है, हम आज जैसे थे कल भी कामयाब होंगे। मेन पोर्टेबल स्कल है और मेन का फोर्स है, वुमेन का 8 है, 3 सिंगल स्कल है। जैसा कि आज पीयर का इवेंट था हमारा, बिल्कुल नए बच्चे थे वो स्कल का, जो कल स्कल में करने वाला है वो भी बिल्कुल नया लड़का है, उनके ऊपर कुछ जैसे आज पीयर भी कर रहा था, ऐसे उम्मीद है कि अगले स्कल में भी कुछ अच्छा करके दिखाएगा।